सर आपकी तरफ से आरोप लगाए गए थे स्लो पॉइजन देने के। आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ जिनको जहर दिया गया? उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। उन्होंने माननीय न्यायालय में जहाँ वो विचाराधीन है बंदी के रूप में जुडिशियल कस्टडी में थे सारी कोर्टों में डाला गया। और आज सर सूचना कैसे मिली? मीडिया के माध्यम। मीडिया आगे क्या कार्रवाई करेंगे सर आप लोग आगे? जो है सब होगा, अब ये कोई समय नहीं है कार्रवाई बताने का। सब आप लोग भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किस किस संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी हमको यकीन है कि वो ऐसा। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमज़ोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर ICU आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक हैं और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो, दो दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के VC रूम तक जा सकूँ बैरिक से निकल, शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका न्यायपालिका